भवनखेड़ा गांव में रहता मन्नू बहुत ही वहमी था। देश और दुनिया से मर्ज की जो भी नई खबर आती, उसे लगता कि वही मर्ज उसे भी हो गई है और उसी बीमारी का असर उसे अपने में दिखाई देता और वो बिस्तर पकड़ लेता। आज भी उसे मंकी पॉक्स के बारे में पता चला और जैसे ही उसे पता चला, वैसे ही उसके शरीर पर हुए साधारण फोड़े को उसने मंकी पॉक्स का नाम लेकर बिस्तर पकड़ लिया। उसकी माँ और बीवी उसे कई हकीम के पास ले जाते हैं और अंत में सबसे बड़े हकीम के पास ले जाते हैं। सभी की तरह वो हकीम भी कहता है, अरे मन्नू बेटे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई है। ऐसे कैसे नहीं हुई है, मुझे मंकी पॉक्स हुआ है। ये देखो, मेरे हाथ में गोली और पैर में गोली और मुंह पर भी गोली। अरे ये कोई मंकी पॉक्स की गोली नहीं है, पेट की गर्मी से हुए मामूली से फोड़े हैं। सुना बेटे? नहीं नहीं, मुझे मंकी पॉक्स हुआ है। इस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, ये पुरानी डिग्री वाला डॉक्टर है, इसे नई बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। कल को अगर मैं मर गया तो इसे पता चलेगा कि मुझे कितनी भयंकर बीमारी थी। अरे मगर मन्नू एक भी हकीम की नहीं सुनता और आखिरकार बिस्तर पकड़ लेता है। उसके घर में कमाई बंद हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। सासू माँ, घर में कुछ भी नहीं है खाने को, और ये है कि क्या करें बहू, मर्ज का इलाज तो कर सकते हैं, पर जिसे कोई मर्ज ही ना हो उसका इलाज भला कैसे करेगा कोई। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। एक दिन उसके गांव में शहर से एक नौजवान आता है और उन सभी से कहता है, अरे सरदार साहब, मैं इस गांव में करिश्माई हंस को देखने के लिए आया हूँ। करिश्माई हंस? अरे वो क्या होता है और वो हमारे गांव में कैसे? अरे सुनिए सरदार साहब, अरे जैसे वो साइबेरियन परिंदे साल में एक बार एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ना, वैसे ही ये करिश्माई हंस भी एक माइग्रेटरी बर्ड हैं, जो इस गांव के ऊपर से उड़ते हुए गुजरते हैं। जो इसे देख लेता है ना, वो अमर हो जाता है। मैं अपनी सारी बीमारी से फारिग होना चाहता हूँ, इसीलिए उस करिश्माई हंस को देखने के लिए इस गांव में आया हूँ। अरे क्या बात करते हो भाई, अगर ऐसा है तो मैं भी उसे देखना चाहूँगा। मुझे तो रोज ही कोई न कोई बीमारी होती ही रहती है, मैं भी तंदुरुस्त होना चाहता हूँ भैया। अरे मेरी बात सुनो भाई, वो अहले सुबह 4 बजे ही इस गांव से गुजरता है और वो हुजूम में नहीं, सिर्फ एक ही गुजरता है समझ लो, और जिसने उसे देख लिया वो अमर हो जाता है। दूसरे दिन गांव के सभी लोग सवेरे के 4 बजे गांव की बगिया में जादुई हंस को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और आंखें आसमान की तरफ टिका देते हैं। मन्नू के मोबाइल में 4 बजे का अलार्म बज जाता है। अरे 4 तो बज गए। ए, ए, वो रहा करिश्माई हंस। अरे कहाँ है भाई हंस? अरे वो देखिए चचा, संतरे रंग का। अरे कहाँ भाई? अरे वो रहा भाभी, ऊपर देखो संतरे रंग का उड़ रहा है ना। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। मन्नू तुम्हें दिखाई दे रहा है? अरे मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है अम्मा। अरे मतलब सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है। मैं अमर हो गया, अब कोई बीमारी या हादसे में मेरी मौत नहीं होगी। अरे देखो, मेरे हाथ का घाव अच्छा हो गया और मेरे चेहरे के फोड़े भी अच्छे हो गए। मुझे करिश्माई हंस का दीदार हो गया, मैं अमर हो गया। मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया अम्मा, काश मुझे भी दिखाई देता। लगता है मैं अब मरने वाला हूँ अम्मा। अरे वो लड़का कहाँ गया, चलो उसके पास चलते हैं। और सभी उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ राहुल गया था। यहाँ राहुल ने एक बड़ा सा नकली हंस बनाया हुआ था और उसका पेट खोलकर कुछ जांच कर रहा था जिसमें मशीनें लगी हुई थी। तभी मुखिया और गांव वाले आते हैं। अरे बेटा, ये हंस तुम्हें दिखाई दिया, मनु को क्यों नहीं दिखाई दिया? अरे सरदार साहब, हंस तो मुझे भी दिखाई नहीं दिया था, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, ये उड़ा ही नहीं। पर मन्नू को भरोसे में लेने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा और अपने नकली घाव और फोड़े को ठीक होता हुआ दिखाना पड़ा।
अब उसे भरोसा तो हो गया कि कोई करिश्माई हंस है जिससे वो ठीक हो जाएगा। अब देखना कल सुबह उसे ये करिश्माई हंस दिखाई देगा। अरे सच में? हाँ, बस जैसे आज मैंने ड्रामा किया कल तुम लोगों को भी वैसे ही ड्रामा करना है। ये हंस कल तुम सबको दिखाई देगा और तुम लोगों को नाटक करना है। अरे कहाँ है कहाँ है, हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, जबकि मनु को दिखाई देगा और वो खुश हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे एक बार फिर सभी गांव वाले बगिया में इकट्ठे होते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं अचानक हवा चलती है, आसमान में हरा सफेद और नारंगी रंग का धुआं उड़ता है और नारंगी रंग का हंस उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर मन्नो खुशी से चीखता है। वो देखो करिश्माई हंस। अरे कहाँ है भाई, कहाँ है? हाँ कहाँ है करिश्माई हंस, कहाँ है भाई? कहाँ है? अरे वो क्या रहा है, वो तो उड़ रहा है ना सामने संतरे रंग का। कहाँ है जी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो क्या रहा, देखो उड़ रहा है ना। अरे कहाँ मन्नू भाई? अरे वो रहा, देखो सामने। अरे छोड़ो ना, मेरे बेटे को दिखाई दे रहा है ना, बस है ना बेटे? हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है, मैं अमर हो गया माँ, मैं अमर हो गया, आज से मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, वो मेरी जान नहीं ले सकती, तो मैं बिस्तर क्यों पकड़ूंगा? आज से मुझे कोई बीमारी के सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं अमर हो गया। और उस दिन के बाद मनु के सारे वहम का इलाज हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है और अब किसी भी मर्ज के वहम में पड़ने के बजाय वो अपने काम में लग जाता है, उसकी कमाई भी होने लगती है, परिवार एकदम खुशहाल हो जाता है, पूरा परिवार उस लड़के की तारीफ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बेटे। हाँ आपने बहुत अच्छी तरकीब लगाकर मेरे वहमी शोहर को हमेशा के लिए ठीक कर दिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, मैं तो एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम ही है अपने मरीज की कमजोरी पकड़कर उसका इलाज करना। आपके गांव के डॉक्टर के कहने पर ही मुझे आपके बेटे के वहम का इलाज करने के लिए करिश्माई हंस का चक्कर चलाना पड़ा।